से आपका एक बार स्वागत है। आप चाहते क्या हो आपके ज़िंदगी में और जो चाहते हैं वो मिलता क्यों नहीं है, उसके बारे में मैं आज आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है, वैसे ही ठाणा, पुणे, नागपुर, यहाँ भी हमारे हॉस्पिटल है, जहाँ हम व्यसनी लोगों को और मनोविकार जिनको उनको भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में और बिना रिश्तेदार। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपको जो चाहिए वो मिलता क्यों नहीं है। आपको जो चाहिए वो मिलता इसलिए नहीं क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपने तय किया नहीं है। फिर से एक बार बोलता हूँ, आपको जो चाहिए वो मिलता आपको क्यों नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपने तय नहीं किया है। आपको मालूम ही नहीं कि आपको क्या चाहिए और बाद में फिर बोलते हैं हमको ये चाहिए, आपने तय किया नहीं आपको क्या चाहिए। देखो, आप जब 2 साल के बच्चे थे तो आपको जो जो चाहती आप जो जो चाहते थे वो आप मांग के लेते थे। आपको भूख लगी आप दूध मांगते थे, खाना मांगते थे, जो भी आपको, तो आपने रो धो के वो ले लिया, चिल्ला के ले लिया, बोल के ले लिया, जो भी। फिर क्या हुआ, जैसी जैसी उम्र बढ़ते गई वैसा वैसा लोगों ने आपको अलग 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 बातें सिखाई। किसी ने बोला कि अब आप बड़े हो गए आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने बोला कि आप बड़े हो गए अभी आप मांग सकते नहीं हो, ऐसा मांगना अच्छा नहीं है, इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ, इससे दूर रहो, थाली में झूठा मत छोड़ो, मांग के खाने का नहीं है, जो परसा हो खाने का है। मतलब इस तरह के काफ़ी आपके ऊपर बाहर से लोगों के अलग 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 इम्प्रेशंस आते गए। फिर क्या हुआ, आप और बड़े होते गए, फिर आपको लोगों ने और कुछ बताया और आपके ऊपर इम्प्रेशंस, आपके ऊपर हैमरिंग, ब्रेन के ऊपर हैमरिंग होते रहा। भाई आप वो ऐसा कि भाई आप जो जो चाहेंगे सभी मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पैसा पेड़ को लगता नहीं है, आप बहुत ही स्वार्थी हो, आप लोगों का सोचते ही नहीं है, मैं बोलता हूँ वो करो बाकी मत करो। मतलब ऐसे बहुत सारे बातें आपके ऊपर बम्बारिंग होती रही, लोग बोलते रहे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं क्या चाहता हूँ या आप क्या चाहते थे वो भूल ही गए और लोगों को क्या चाहते वो आप करने लगे। और फिर इसलिए करने लगे कि भाई लोगों को जो चाहते वो मैंने किया तो मुझे शाबाशी मिलती है, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे वाह बोलते हैं, तो फिर मैं क्या चाहते वो मैं चाहता हूँ वो मैं भूल गया, और मेरे आजू बाजू के लोग क्या चाहते, मेरी मम्मी क्या चाहती है, डैडी क्या चाहते वो मैं करने लगा। मैंने शादी इसलिए किया कि मम्मी चाहती है, मैं डॉक्टर इसलिए बना क्योंकि डैडी चाहते हैं। मतलब ऐसा चाहत जो है वो हमारी बाहर से हमारे ऊपर लादी गई, आक्रमण होते रहा चाहतों का। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको हम पूछते हैं कि भाई आपको चाहिए क्या, तो जवान बच्चा बोलता है कि मुझे मालूम ही नहीं मुझे क्या चाहिए, क्या करना है मालूम नहीं है। मतलब हमको ऐसा आंसर क्यों मिलता है, क्योंकि उनको उनके ऊपर ये डाला हुआ है बाहर से कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना चाहिए, आपने क्या क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा बाहर से उनके ऊपर हैमर किया जाता है, डाले जाता है और उनका वैसा व्यक्तिमत्व बनाया जाता है। और फिर जो आपके आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं वैसे आप बनते गए, उनकी इच्छाएं जो है उनको आपने ऑनर किया और उनको अच्छा लगेगा वो खुश हो जाएंगे इसलिए आपने किया, और आपकी खुद की इच्छा दब गई, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं रहा, खुद आप खुल के बात नहीं कर सकते, खुद को जो खुल के चाहिए वो नहीं करते, लोगों को क्या चाहिए, और फिर बार बार हम देखते रहते कि लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोले, लोगों के अप्रूवल, लोगों को क्या चाहिए, ये चालू रहता है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको यदि खुलकर जीवन जीने का है तो क्या करना है, इसके लिए काम करो, कुछ बातें बताता हूँ। छोटी छोटी आपकी जो इच्छा है उसको ऑनर करो, उसको आप पूरी करो। आज से ये बंद कर दो बोलना कि मुझे मालूम नहीं है, मैं चिंता नहीं करता, मेरे लिए महत्व का नहीं है, चलता है कैसा भी हुआ तभी, ये बोलना छोड़ दो। आपको क्या चाहिए वो सीधी बात करो, मुझे ये चाहिए वो, किसको मांगना है तो मांग लो, उसके लिए कुछ काम करना है तो काम करो, मगर साफ लोगों को बता दो कि मुझे ये चाहिए। छोटी छोटी बात आपको जो चाहिए वो आपने पूरी कर लिया तो आप बड़ी बड़ी बातें भी आप पूरी कर सकोगे, और फिर लोगों को क्या चाहिए वैसा आप बर्ताव नहीं करेंगे, आपको जो चाहिए वो करेंगे। तो आज ये पक्का करने का है कि छोटी छोटी बात के ऊपर जो आपको चाहिए वो सीधी बात करना है, मांग लेना है, बोलने का है, और जो चाहिए वो हासिल करने का है, जो चाहते कुछ भी चाहिए तो वो बोल के लेने का है। ऐसा नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे,
फिर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या बोलेगा, ऐसा करूंगा तो वो क्या बोलेगा, लोगों को क्या चाहते हैं, अच्छा दिखेंगा कि नहीं दिखेंगा, छोड़ दो सब बातें, फुल्ली आपकी आत्म अभिव्यक्ति होना जरूरी है, पूरा व्यक्तिमत्व आपका खुलकर जो है वो बाहर आना जरूरी है, तभी आपको जिंदगी में मजा आएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, घंटी का चिन्ह आएगा उसके ऊपर प्रेस करो, ताकि आपको मेरे वीडियो का इंटीमेशन सबसे पहली बार आ जाएगा। आपके जो संपर्क में ना सबको ये वीडियो फैला दो, सबको शेयर करो, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर सबको फैला दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्चुअली क्या चाहिए वो समझ में आएगा, वो तय करेंगे और उनको जो चाहते हैं वो उनको मिलेगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। काफ़ी सारे मेंटल इलनेस के वीडियोज़ में डाले हुए, वो भी आप शेयर करो लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।